एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, सुनी है? हम सुने हैं, मेरा नहीं। कभी उस घर में वापस जाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत। कैसी आरती है बताइए? थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है, 13 दिन हो गया है। हो गया, मेरा जो माथा में कभी चक्कर चक्कर देने लगता है, कभी बेहोश हो जाती है। इलाज चल रहा है आपका? चल रहा है। 13 दिन में क्या बदलाव हुआ है ये बताइए। क्या, कौन सी का बदलाव? आज छोटू आपके साथ नहीं है, 13वां हो रहा है उनका। कभी सोची थी ऐसा? कभी नहीं। कभी सोची थी कि अपना ही परिवार आपके प्रेमी को खा जाएगा, जिससे आप शादी करना चाहती हैं उसको खा जाएगा? कभी नहीं सोची। कभी नहीं, मतलब कभी आपके साथ घर पे पहले मारपीट होता था? मतलब पता था कि मेरा फैमिली वाला राक्षस है? नहीं था पता। नहीं पता था। क्या चाहती हैं, कौन सी सज़ा होनी चाहिए आपके फैमिली वालों को, और किसको किसको होनी चाहिए? हम तो बोलते हैं कि सबको, आप लोग तो पहले हम बयान दे चुके हैं, हम उतना बोल नहीं पा रहे हैं, हमको आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अभी छोटू के घर पे हैं, तो क्या मतलब आगे का क्या सोची हैं? हालांकि ये सारी चीज़ें हमको नहीं पूछनी चाहिए, बट जनता का सवाल है कि क्या आरती पूरी ज़िंदगी अब यहीं घर में रहेंगी, अब अपने घर वापस नहीं जाएंगी? आरती अब बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, आप शायद एक मिसाल हैं लड़कियों के लिए। आपको देख करके लोग, लड़कियां लड़ेंगी, और आप सच के लिए जो लड़ रही हैं, सच बता रहे हैं, बोलते बोलते मेरा भी रोंगटा खड़ा हो जाता है। और जब आपका मैं न्यूज़ देखी हूँ ना, मुझे लगा है कि ये एक ऐसी आप हिस्ट्री बनाई है, इतिहास बनाई है, और दुनिया की एक ऐसी लड़की हैं जो अपने परिवार वालों के खिलाफ लड़ रही हैं। हालांकि ऐसी खबर बहुत सारी उठी है कि प्रेमी को घर पर बुला करके प्रेमिका के घर वालों ने मार दिया, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखें कि उसके उसके लिए आवाज़ उठा रही है हर जगह। इस घर में शादी थी, आपको पता है कल शादी होने वाली थी, अब शादी कैंसिल हो गया है। अच्छा ये बताइए, प्रशासन सरकार किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं? बहुत तरह से मदद कर रहे हैं। मदद मिल रही है सरकार के थ्रू? मिल रहा है। किस टाइप का मदद मिल रहा है? यही टाइप का आश्वासन सब दे के जाते हैं। आश्वासन से काम चल जाएगा आरती? वो तो नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे तो कर रहा है, कानून तो कानून है ना। पप्पू या दवाए थे, किस तरह से मदद किए हैं? आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिए हैं, आश्वासन। यहाँ पे जो वाला आश्वासन दे रहा है कि अपराधी जो है उसको सजा मिलेगी, लगता है ऐसा मिल जाएगा? वो तो कानून है तो मिलवे करेगा, मिलेगा। अच्छा आप लोग यहाँ पर, आप लोग भी महिला हैं, क्या लगता है सरकार के तरफ से इनको सेफ्टी नहीं चाहिए? क्या सरकार के तरफ से इनको मुआवजा नहीं चाहिए? इनको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिससे ये अपना पालन पोषण कर सके? बताइए, आप लोग महिला हैं, चाहिए चाहिए मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए। ये कोई सहारा तो अब है नहीं इसको, माँ बाप जे सास ससुर छोटू का है परिवार, इसको मदद मिलना चाहिए सरकार। काकी अभी शादी नहीं हुई है, आप लोग गांव के हैं? शादी तो हुई नहीं है अभी, तो आरती कुमारी है ना। हाँ। सरकार से तो मदद मिलना चाहिए ना, सरकार से मदद मिलना चाहिए। अच्छा 2 साल से आप लोग का रिलेशन था, आप और छोटू का, घर वाले सब लोग जानते थे पापा के अलावा? भाभी बोलती थी कि शादी करवा देंगे। आपको नहीं पता था कि जब वो घर बुलाई थी कि तो छोटी को मारने के लिए बुलाई है? उसको तो मतलब हमको मतलब कुछ डिफरेंस घर में लग रहा था, उसका दिमाग से लग रहा था। भाभी के, भाभी का नाम क्या है? रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। भैया का? रविकांत कुमार। भैया तो अभी पकड़े हुए हैं, जेल में हैं, तो भाभी भागी हुई है। तो आपको भाभी के दिमाग से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है घर में? हमको लग रहा था, तो हम रोके थे इसको, मतलब वहाँ जब गए ना तो हम इसको बोले कि आप चले जाइए, कहे कि सब दिन घर में रहते थे तो हमको पता था कि उसका दिमाग कैसे है, नहीं है, क्या करना चाहते हैं। मतलब बदमाश थी भाभी? मतलब बदमाश नहीं थी, आप मतलब घर पे आपको सपोर्ट करती थी, पढ़ाई लिखाई कोई चीज़ के लिए सपोर्ट? सब चीज़ का सपोर्ट थी सब। तो ये अचानक उनके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया कि वो बुला करके मरवा दी? वो मतलब ऐसे सब दिन उसको वो बोलती थी घर में, घर से मेरी मम्मी पापा सब सपोर्ट करते थे पढ़ने में, वही तो सिर्फ उसका कहना था कि एक साथ नहीं रहने देंगे तुम, एक साथ तुमको वहाँ नहीं रहने, वहाँ नहीं जाने, छोटू के साथ नहीं। मतलब उनको उनको लव मैरिज से प्रॉब्लम था या फिर उनको छोटू से प्रॉब्लम था? अब पता नहीं, तो उसका दिल जाने। तो जो घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, भाई भतीजा जो भी है,
दस लोग, दस लड़के कम से कम इकट्ठे थे, तो वो अचानक इकट्ठे थे कि हमेशा रहते थे वो लोग घर पर? अचानक से आदमी तभी नहीं आया। ये बात मतलब कि हुआ क्या, जैसे दो आदमी आया ना तो कॉल किया तुरंत, जैसे पकड़ा तो कॉल किया। अच्छा। कॉल किया तो पट सब पहुँच गया, सब पहुँच गए गाँव से। गाँव से तो कोई, जैसे मतलब हुआ उस घर में मारा पहले दोनों, इसके बाद जो है वो थे मेरी भाभी सब थी, इस सब रूम के लिए मेरी तो पहले भाभी ही उसको, मतलब आपको लगता है कि भड़काने का काम भाभी की है? हाँ, वो मतलब हुआ ना जैसे कि देखिए वो भाभी सामने कॉल किया उसको, हमको क्या पता कि हम उसी को कॉल किए, मेरा मोबाइल लिए ऐसे मायके सब कॉल करती थी मेरा मोबाइल लेकर। बंद कर दीजिए नहीं, दो बस दो मिनट नहीं बोल पाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लेकर के ये कर देते हैं कि कॉल करके बुलाई और छोटू को मरवा दी, ठीक है? यानी मेन रोल जो था भाभी का था, उसका रोल था मेन मेन था। अच्छा, आप किस स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं? वनपी कॉलेज में। सेम कॉलेज आप और छोटू सेम कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं, उसका कॉलेज अलग था। मुलाकात कैसे हुई थी? वो तो शुरू में ऐसे मतलब उसका ननिहाल था मेरे गाँव में, तो वही आना जाना लगा रहता। अच्छा, एक आरती एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, सुनी है? हम सुने हैं, मेरा नहीं। आपका नहीं है फिर भी चैनल वाले चला रहे हैं? गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके आपको लेकर के अफवाहें भी उड़ रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जा सकते हैं, हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। आरती, आपको भी मारने का प्रयास किया गया था परिवार के द्वारा? अच्छा, फैमिली के थ्रू आपको भी मारने का प्रयास किया गया था? हाँ। आप कभी उस घर में वापस जाएंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। आरती का तबीयत ठीक नहीं है और उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जो है इंटरव्यू दे रही हैं, मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि हम आए हैं इनसे बात करने तो इन्हीं के लिए आए हैं, क्योंकि अगर हम सवाल खड़े करेंगे सरकार से तभी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे, मीडिया में नहीं दिखाएंगे, चैनल में नहीं दिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें दब जाएगी और कौन आरती कौन छोटू कोई नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो माहौल है ना, बाप रे बाप, मतलब एकदम ऐसा माहौल है कि हम बता नहीं सकते। कल शादी होने वाला था छोटू का, बड़ा भाई का, 17 तारीख को। 17 को शादी था, यानी कल शादी था, आज 13वां है, श्राद्ध है। मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं किया था कि मतलब इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। शादी श्राद्ध में बदल गया है, बताइए। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मतलब मातम का माहौल है, और हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकें।